Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone India Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CUET 2024 exam, because in this video I'm going to discuss actual quants questions of CUET paper. So guys, ये code 12 के questions हैं जो test के maximum programs जिसके accept करने वाले हैं. Guys, part 1 हम बना चुके हैं 15 questions का, ठीक है. Part 2 में 10 question discuss होंगे. इसके बाद एक part और आएगा, वहां पे DI के question होंगे. मेन तो गैस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस, ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक की लिंक्स आप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे लिंक्स. सीयूटी का हम लोग का लार्जेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ये 7300 प्लस मेंबर्स का है, ठीक है. इसको आप ज्वाइन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे सारे. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक इस बार बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास, क्योंकि पहली बार तो टेस्ट के सारे प्रोग्राम सीयूटी ले रहे हैं. दूसरी अच्छी बात है, 75% वेटेज है सीयूटी के स्कोर का, ठीक है. जीडीपीआई इज ओनली 25%, और ये इसी बार ऐसा हो रहा है. नेक्स्ट ईयर से फॉर एचआरएम एंड ओडीसीएल कैट लिया जाएगा, तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है डेफिनेटली सीयूटी देना चाहिए. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स व्हिच डायमीटर्स आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रनिंग टूगेदर व्हेन द लार्जेस्ट अलोन कैन फिल इट इन 58 मिनट्स. द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर. तो क्या देखो, आपको ये बताना है कि तीनों पाइप्स को कंबाइन करके टाइम कितना लगेगा पाइप फिल होने में, टैंक फिल होने में, सॉरी, ठीक है. और आपको लार्जेस्ट पाइप अलोन का दिया गया 58 मिनट्स. तो ये क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू दिस. तो बेसिकली दिस एफिशिएंसी का आपको रिलेशन दिया गया, अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर. तो आप बोल सकते हो अमाउंट फिल्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स. जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक्स ले लोगे ना. अब डायमीटर तीनों के हैं अलग अलग, 2, 3 एंड 4. तो ए वन आपका आ गया 4x2 स्क्वायर, ए टू आपका आ गया 3 स्क्वायर x 9x, ए थ्री आपका आ गया 16x. ये क्या आया, ए वन ए टू ए थ्री, ये एफिशिएंसी आई रेट ऑफ फिलिंग द वाटर इन 1 मिनट. तो पहला पाइप 4x अमाउंट फिल कर रहा है 1 मिनट में, दूसरा 9x कर रहा है, तीसरा 16x कर रहा है. गाइस ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो खाली फॉर्मूले पे डिपेंड रहता है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है. और सीयूटी को बिल्कुल ही बहुत इजी मत समझ, ठीक है. तो गाइस अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, लार्जेस्ट अलोन का आपको दिया है पूरा काम अकेले करें 58 मिनट्स लगेंगे. अब गाइस 16x अमाउंट फिल करता है 1 मिनट, तो 58 मिनट में कितना करेगा, 58 x 16. ये क्या आ गया, बेसिकली ये आ गया टैंक की कैपेसिटी, ठीक है. हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है तीनों मिलकर काम कितनी देर में करेंगे. तो अब क्या करोगे आप, 4x+9x+16x तीनों का 1 मिनट का वर्क, इंटू मान लो इनको m मिनट्स लगते हैं पूरा काम करने में, और पूरा वर्क है कितना, ये है 58 x 16x, ये आ गया 29x. 29x+m = 58 x 16x. x x कट गया, 29 2 जा, तो एम कितना आ गया, एम आ गया 30, 32 इज द आंसर. तो मैंने डिलिबरेटली पहला क्वेश्चन ट्रिकी लिया है ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि पेपर बहुत इजी आता है, क्योंकि इस बार टेस्ट ले रहा है, रेडी रहो वर्स्ट केस सिनेरियो में, ठीक है. ये क्वेश्चन इजी है, ये आपको दिया है इसको एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 128 × √ 162. एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया, पूरा रूट कर दो ऐसे, 128 × 162. एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो गया 256 × 81. पहले इसका रूट करो, ये आया 16, ये आया 9, ये आया आपका, अगर इसका रूट करो घर तो क्या आएगा, 16 × 9 हो गया. अब गैस एक्स स्क्वायर आपका 16 × 9, एक्स वैल्यू क्या है, 4 × 3 दैट इज 12. बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना, 12 आंसर आ गया. मैक्सिमम क्वेश्चन तो इजी थे, बट स्टिल सुमित रीड 6/13 ऑफ द बुक इन फर्स्ट वीक एंड 5/9 ऑफ द बुक रिमेनिंग बुक इन सेकंड वीक. इफ देयर वर 100 पेजेस 100 आफ्टर सेकंड वीक, हाउ मेनी पेजेस वर देयर इन द बुक. तो कहते देखो टोटल पेजेस को अगर हम एक्स मान लें, तो पहले 6/13 इतना रीड हुआ, ठीक है. आप एक्स मानो चाहे मानो, स्टिल मान लो फर्स्ट वीक में, एंड 5/9 ऑफ द रिमेनिंग बुक. रिमेनिंग कैसे,
अगर पहले 6/13 था, उसका रिमेनिंग कितना हुआ? एक्स माइनस 6/13, तो यह आया 7/13। 7/13 का 5/92 हुआ, मतलब पहले भी कितना हुआ और दूसरे भी कितना हुआ, दैट इज 35x अपॉन 13 × 9। ठीक है, ये मान लो। अब गाइस देखो हमारा टोटल कितना हुआ है, ध्यान से देखें इनको, अगर आप ऐड करो फर्स्ट वी प्लस सेकेंड वी, 6x/13 प्लस 35x अपॉन 13 × 9, यहां पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 54 प्लस 35, 89x अपॉन 117। ये आपका इतना काम हो चुका है, इतना काम हो चुका है, तो कितना बचा है? टोटल एक्स था, एक्स माइनस 89x अपॉन 117, दैट इज 28x अपॉन 117। और इतने पेजेस किसके बराबर है? 100 पेजेस वर 100 आफ्टर सेकंड वीक, तो 100 बराबर है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे इंटीजर में आंसर नहीं आ रहा है। अगर आप एक्स निकालोगे तो आपको मिलेगा 417 पॉइंट समथिंग। अब 417 पॉइंट समथिंग मतलब क्या, कि राउंड ऑफ करके 418 पेजेस। ठीक है, तो 418 पेज इसका आंसर है, 418। बट कंसेप्चुअली लेंदी है, बट टफ नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720, देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। अगर हम सीपी ईच बॉल की एक्स माने, तो 17 बॉल की सीपी कितनी हो जाएगी? 17x। 17 बॉल की एसपी कितनी दी गई है? 720। लॉस कैसे आता है? सीपी माइनस एसपी से, तो 17x माइनस 720, ये जो लॉस है किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। एक बॉल की सीपी अगर एक्स है, तो 5 बॉल की कितनी होगी? 5x होगी, राइट? तो ये आपका आ गया 12x इक्वल टू 720, x इक्वल टू आ गया 60, x आपका 60 आ गया। कॉस प्राइस ऑफ बॉल पूछा आपने, 60 आंसर आ गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनपॉपुलर क्वेश्चन, चलते हैं गाइस आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, अमंग 2/3, 3/4? इजी क्वेश्चन, 2/3 इज व्हाट? बहुत जल्दी बाजी में गलत नहीं होता, ये हो जाएगा 0.66। 3/4 इज 0.75, 4/5 इज 0.8, 5/6 इज 0.83। अगर सीरीज में लगे हुए, बिगेस्ट फ्रैक्शन ये है लास्ट वाला, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ये है, डिफरेंस क्या आएगा? 5/6 माइनस 2/3, 2/3 इज 4/6, तो एक्चुअली 1/6 आ गया डिफरेंस, बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट्स ऑफ सिरप। तो एक तरह से आप बोलो 3:5 का रेशियो है वाटर एंड सिरप का। वाटर कितना है ओवरऑल में? वाटर इज 3/8 एंड सिरप इज 5/8। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर? रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, बाहर से वाटर आ रहा है, बाहर से अगर वाटर आ रहा है तो हम किसके लिए काम करेंगे? हम काम करेंगे सिरप के लिए। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाए? फाइनल सिरप इज इक्वल टू इनिशियल सिरप इंटू 1 - x/v। ठीक है, अब गाइस आपको बाद में बोला गया ऐसा करने बाद, मिक्सचर में है हाफ वाटर एंड हाफ सिरप, इनिशियली ये रेशियो था ऐसा था, फाइनल रेशियो ऐसा है, वाटर भी 1/2, सिरप भी 1/2। तो हमको ये चीज ने बताई क्लास में कई बार, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन ना हो, तो बाहर से जो भी क्वांटिटी आती है उसके अपोजिट के लिए काम करना हो। यहाँ पे वाटर बाहर से आ रहा है, सिरप ले जाएंगे, फाइनल सिरप कितना है? 1/2, इनिशियल सिरप कितना है? 5/8 इंटू 1 माइनस। अब गाइस ये पूरा प्रपोर्शन आपको निकालना है, एक्चुअली x/v आपको पूरा ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पार्ट्स में हो रहा है। ये कट गया, 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस x/v को आप p मान, तो p इज इक्वल टू आ गया 1/5, ठीक है, 1/5 इज द आंसर। 4 kg ऑफ मेटल कंटेन्स 1/5 कॉपर एंड रेस्ट इज जिंक। Another 5 kg of metal contains 1/6 copper and rest. The ratio of copper and zinc in the mixture of these vessels. ठीक है, तो गैस इसको मैन्युअली कर लो, 4 kg metal है, तो 1/5 copper, 4/5 copper है, and बाकी क्या है? 16/5 आपका zinc है। पहले वाले में copper and zinc है, 4/5 and 16/5, ठीक है, क्योंकि 1/5 आपका copper है, 1/5 into this करोगे तो 4/5 आएगा। रेस्ट मतलब क्या? 1/5 अगर कॉपर है तो 4/5 बचा ना, 4/5
मतलब कितना 16/5 हो गया। इसी तरह का दूसरा लोगे को, जब 5 kg मेटल तो 1/6 कॉपर है, मतलब 5/6। एंड जिंक कितना है? 1/6 अगर कॉपर है तो 5/6 बचा, तो 5/6 × 5 25/6। ठीक है, आपको बस ऐड करना है द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द ओरिजिन। कॉपर कॉपर ऐड करो, जिंक जिंक ऐड करो, 4/5 + 5/6, ये आपका आ जाएगा 24 + 29, 49/30 पूरा कॉपर आ गया सर। ये कितना आ जाएगा? 16/5 + 25/6, 96 + 125/30, ये आपका आ जाएगा 221/30। अगर इसको डिवाइड करोगे दिया जाएगा 49:221, ये आपका आंसर आ गया। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 36। इट वॉज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वॉज रॉन्गली टेकन एज 23। 48 लेना था, 23 ले लिया, द करेक्ट न्यू मीन। तो गाइस देखने में क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का लग रहा है, बट एक्चुअली ये डेफिनेटली एवरेजेस का क्वेश्चन। 50 ऑब्जर्वेशन का मीन 36 है, तो टोटल कितना है? टोटल सम कितना आएगा? 15 × 36। ये आपका बेसिकली एवरेज दिया है, ये नंबर दिया है। आपको बताया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज होता है मेरा टोटल सम अपॉन नंबर। यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा? एवरेज इंटू नंबर। अब इसी में आप चेंज करो, 48 की जगह 23 आ गया, तो जो 23 आया है हटाओ उसको और 48 ले आओ। ऐसा करने के बाद आप एवरेज कितना आएगा, क्योंकि तो एक हटा एक आया, 50 रहेगा नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा 25। 50 × 36 + 25/150, 25 कॉमन लो, 73/50 काट दो 2 से, 36.5 इज द आंसर। ठीक है, हाउ मेनी थ्री लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स लॉगरिथम्स इफ रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। गए देखो, यहाँ पे अच्छे बात है कि क्वेश्चन टफ नहीं किया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, LOGARITHMS कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे कैसे कुछ नहीं करना, बस ये काउंट करो कितने, या भी कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लेटर्स हैं। 10C10P3 कर दो बस, 10P3, या फिर आप बोल दो 10 में से 3 लिए और उनको 3 फैक्टोरियल में अरेंज कर दिए ऐसे, क्योंकि तो सारे डिस्टिंक्ट डिस्टिंक ने ऐसा कर दिया। अगर एक भी रिपीट होता उनको केस बनाने पड़ते। ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन है। तो 10C3 × 3 3 फैक्टोरियल, 10C3 is 120, 120 × 6 is 720, 720 इज द आंसर। थ्री पार्टनर्स ABC स्टार्ट अ बिजनेस, 4 टाइम्स ऑफ एस कैपिटल इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बीस, 4A = 6B एंड बीस कैपिटल इज 8 टाइम्स ऑफ सीज कैपिटल, B = 8C। यहां से हमको क्या मिल रहा है? A:B हमको मिल रहा है 3:2, और B:C क्या मिल रहा है? B:C मिल रहा है 8:1। अगर आप तीनों का रेशियो निकालो A:B:C, तो शॉर्टकट क्या होता है? जब ABBC हो, 24 + 16 + 2 कैसे करते हैं? 24 फिर डायगनल करते हैं, 8 × 16, उसके बाद 1 × 2, तो आपका A:B:C कितना आ जाएगा? 12:8:1, ये ऐसा आ गया। अब गाइस आपको दिया क्या गया? आपको बी का प्रॉफिट दिया 63। एक्चुअली यहाँ पे टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही, तो समझ लो आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया इनका, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो टाइम के प्रॉफिट के रेशियो के बराबर है, मतलब इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। आपको बी का प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया गया, तो अगर मैं इसको ऐसे मानूं, ए का प्रॉफिट 12x, बी का प्रॉफिट 8x एंड सी का प्रॉफिट x, तो 8x के लिए 63 नेट दी गई, 8x इसको लिए दिया 63, x कितना दिया है? 6300/8। आपको करना क्या है? आपको एवरेज निकालना है ए एंड सी का, तो क्या करेंगे? 12x + x/2 × 6300/8। हमने क्या किया? 12 × यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, एक्स तो यही है, एक्स को खोल मत इस तरह, ठीक है एक्स यही है। ठीक है, 12 + 1/2 × 6300/8, ये दस हम क्या कर रहे हैं? एक्स को रख रहे हैं 6300 दोनों, तो और इनका एवरेज निकाल रहे हैं। एक्चुअली ये आपका आ जाएगा
13/16 इंटू 6300। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा 5.18.7। तो ये आपका आंसर। तो गाइस देखो कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, और पेपर में देखो इस बार 75 क्वेश्चन हो गए और टाइम भी आपको कम हुआ है, तो पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ भी सकता है, ठीक है, मिक्स हो सकता है। तो गाइस ये 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गए, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर करना है, अभी भी बहुत टाइम है गाइस, सीयूटी एग्जाम 15 मार्च के बाद होगा, एमबीए का 11 मार्च के बाद दिया मान लो, तो आपके पास मोर देन 2 मंथ्स अभी है, और 2 मंथ्स का प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ टू क्रैक द एग्जाम। काफी लोग ये समझ नहीं पाते, उनको लगता है बहुत टाइम चाहिए, कोई भी इस तरह के एग्जाम के लिए 5-6 महीने नहीं पड़े। अगर आपके पास कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है तो यू कैन आराम से इवन टॉप द एग्जाम। काफी लोग के पास डाइजेस्ट नहीं होती, बट स्टिल इसका रीजन क्या है कि हम लोग का कोर्स है काफी डिटेल, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में करोगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। सबसे अच्छी बात कोर्स की क्या है कि हम लोग क्लास में ही सब कुछ करा देते हैं, क्लासेस हम लोग की बहुत डिटेल में चलती है, जीरो से लेकर किसी ने 10th के बाद कुछ ना पढ़ा वो भी समझ जाएगा। आपको पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हम लोग की क्लासेस में रखना है, PYQs में रखना है, और जैसे बोला जा रहा है वैसे बोलोगे आराम से एग्जाम निकल। कोर्स लेने के बाद सिर्फ एक ही रीजन होगा एग्जाम ना निकलने का, जो बोला जा रहा है वो नहीं कर रहे, तो ये काफी लोग गलत तरह से पढ़ते हैं। 99% लोग खाली क्वेश्चन देना शुरू कर देते हैं कि PYQ लगा रहे। पहले बेसिक कवर करो, क्लास के क्वेश्चन टाइप्स कवर करो, क्योंकि क्लास में ही कम से कम 2000 क्वेश्चन कवर है, और इसमें आपको मॉक्स मिलता है, GDPI मिलता है, सब कुछ कवर्ड है। अभी से लेकर टेस्ट मुंबई जाने तक जो भी चाहिए सब मिलेगा, और प्राइसिंग बहुत ही कम है, दैट इज 3500 होगी, ठीक है। क्या सीट्स एनरोलमेंट्स क्लोज होने वाले हैं, 27 दिसंबर से ही बैच स्टार्ट होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जो क्लासे हुई है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरा शेड्यूल मिलेगा, 2 दिन में एनरोलमेंट्स क्लोज हो जाएंगे। सीयूटी के लिए मुश्किल से 7 to 8 सीट्स रह गई हैं, अगर कोई देखना चाहता है देख सकता है, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं हम लोग के पास, ये सीयूटी का ही रिव्यू है, आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। 10,000 टाइम्स बेटर देन ऐसा कुछ दिखा है, ठीक है। बाकी ये रिव्यूज है, ये तो लेटेस्ट अभी जो है वो दिखाया मैंने, बाकी कम से कम 6 से ज्यादा रिव्यूज है। बाकी अलग अलग कोर्सेज हम लोग हैं, ठीक है। सबसे अच्छा है कॉम्बो पैक, क्योंकि तो देखो सिलेबस क्वांट्स LRDI VRC का एग्जैक्टली सेम होता है सारे एग्जाम्स, तो बेटर है कि आप CUT दे रहे हो तो CMAT एंड SRC जरूर दो, आप ये देख सकते हो। बाकी एनी कॉम्बो ऑफ टू और ऑल इन वन इंक्लूडिंग MBA CET विद मॉक्स एंड एवरीथिंग 6500 का ही, GDPI मॉक्स सब कुछ कवर्ड है। GK सेक्शन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी दी है, CMAT में भी हम लोग इनोवेशन सेक्शन की स्ट्रेटेजी देंगे, बाकी DI कैसे करना है SRC का उसका देंगे स्ट्रेटेजी। बाकी गाइस ये टाइम टेबल है, ये क्लासेस हम लोग की 9 क्लासेस वीक हो रही है, आगे बढ़ेंगी भी क्लासेस, लगातार क्लासेस चल रही है डिटेल में, ठीक है। ये हम लोग रिजल्ट हैं स्नैप के, सो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक, सीआरई लग जाएगा। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो, बाकी mockzone.in/CUT में जाओगे तो आ जाएगा। फ्री CUT मॉक बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, CUT के मॉक्स हम लोग लॉन्च करेंगे अराउंड 12 मॉक्स, ठीक है, 12 to 15 भी हो सकते हैं, एक फ्री मॉक भी लाइव होगा, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।